अगर आपको मैं टोटल दिखाऊं, इतना ट्रेन से दारू निकला है। ट्रेन में जब लोग लेके चढ़ रहा था तो गेट पे चेक वगैरह कोई नहीं किया होगा सर। उसमें मैं 2 साल रह के आया हूँ तमिलनाडु में, ठीक है, मेरे को भी पता है। वो किसको रिपोर्ट देगा, दे दीजिए, आपको कोई दिक्कत हो तो। सब लखीसराय में पकड़ा गया है। फिर से एक बार भारत गैस बनाइए, खाना परोसिए प्यार, भारत पेट्रोल। देखो उसके हाथ में भी दारू है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वक्त पुरी में हूँ, जो कि उड़ीसा में आता है और ये चार धाम में आता है। आज मेरा यहीं पुरी से ही ट्रेन है, जो कि पुरी पटना स्पेशल ट्रेन है। रेलवे स्टेशन है पुरी का, काफ़ी साफ सुथरा है। अब चलिए मैं आगे आपको रेलवे स्टेशन के साइड ले चलता हूँ। ये सामने इतना बड़ा सा शेड लगा हुआ है, सामने वहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक अभी वेट कर रहे हैं। कल तो रात में मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे आराम भी कर रहे थे, तो आप आराम कर सकते हैं यहाँ पे। आपको सामने जाना है, वहाँ से प्लेटफॉर्म की एंट्री होगी। तो चलिए एक बार हम प्लेटफॉर्म दिखाते हैं आपको यहाँ का। एक बार आप देखिए यहाँ पे पब्लिक, सामने से एंट्री है। वे टू स्टेशन लिखा हुआ है, आपके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है यहाँ पे, पुलिस सर लोग खड़े हैं। और यहाँ से आप एंट्री कीजिएगा प्लेटफॉर्म के साइड। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे फूड ट्रैक लगे हुए हैं लाइन से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो एक यहाँ पे है, देखिए इनके पास क्या क्या है। स्वीट्स हैं, खाजा है। यहाँ पे एक चीज़ देखा मैंने, खाजा भी, प्रसाद भी मिल रहा है, खाजा भी ज़्यादा मिल रहा है। अब खाने के लिए देखिए, फूड ट्रैक है IRCTC का, एक्सप्रेस फूड प्लाजा है यहाँ पे। ये दो तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 03229 भाई लग चुका है प्लेटफॉर्म पे, पुरी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। आज आपके भाई का S9 में जर्नी होने वाला है। यहाँ से पुरी से इसका डिपार्चर का टाइम है 2:55 में और अराइवल करेगा पटना सुबह 9:35 पे। बाकी ये सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन है, सिर्फ फ्राइडे शुक्रवार को चलता है। 2:55 का टाइम था, 2:57 में अपना ट्रेन पुरी से डिपार्चर हो चुका। अब जय श्री जगन्नाथ, ट्रेन निकल चुका अपने प्लेटफॉर्म से बाहर। अब पुरी के 931 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है पटना तक। ये कोच क्लीनिंग के लिए लगा हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं है किस कंडीशन में है। मिरर सही है, ठीक ठाक है, बेसिन भी साफ सुथरा है, पानी आ रहा है, सही है। बाकी वॉशरूम, अभी ट्रेन जस्ट निकला ही है, सफाई के लिए एक नंबर भी दिया गया है सफाई के लिए। अभी तो जस्ट ट्रेन निकला है, हाँ सही, बढ़िया है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है वॉशरूम। बाकी ये अपने कोच का व्यू है। इस ट्रेन को रिवर्स लाया जा रहा है, सीधा यार्ड में जाएगा या तो प्लेटफॉर्म पे जाएगा। पुरी अहमदाबाद, अजी एक बार कोच दिखाते हैं। कोच लगभग फुल नहीं है और जो सीट खाली है ये खाली है पूरा, बाकी सब में पूरी जो भी तीर्थ यात्रा के पूरे सब पूरे फैमिली लोग ही आ रहे हैं। ये अपना बर्थ है, इसमें 45 नंबर बर्थ मिला है मेडल। बैग वगैरह रख दिया हूँ मैं, बाकी लोग थके हुए हैं तो सब लोग सो रहे हैं। ऊपर फ़ैन दिया, देखो जनवरी महीने में पूरा एकदम तेज़ फ़ैन चल रहा है, पूरी में इतना गर्मी है भाई। अभी यहाँ पे भाई एक मिरर दिया गया है, दो छोटे छोटे लगे झुक दिए गए हैं, अब उसमें आप कपड़े भी टांग सकते हैं अपने। बाकी ये सारे स्विचेस हैं, चार्जिंग पोर्ट है। अभी लगभग 50% कोच अपना खाली है, तो मैं बैठा हूँ सीट पे, किसी और का ही होगा सीट साइड लोअर। इस ट्रेन का स्लीपर का जो मैंने फेयर पे किया है 627 रुपये किया है पुरी से पटना के लिए। ये सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन ये ट्रेन चलती है। 1610 रुपये फेयर है AC 3 का और AC 2 का है 2210 रुपये। अगर आप इस पहाड़ को देखोगे तो एकदम ऊपर चोटी पर एक मंदिर भी दिख रहा है। तो ट्रेन की रफ्तार तो अभी काफ़ी है। खोरधा रोड,
काफी लोग इस ट्रेन के लिए यहाँ पे तो वेट कर रहे हैं। चवालीस किलोमीटर की जर्नी करके ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी खुर्दा रोड जंक्शन। ये ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का स्टॉपेज है और काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन में। जो थोड़ा बहुत सीट खाली है लग रहा है यहाँ पे पैक हो जाएगा। खुर्दा रोड जंक्शन पे सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म है, बाकी मुझे नहीं लग रहा इस ट्रेन में, बाकी इस ट्रेन में पेंट्री कार की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो भी खाना पीना होगा तो या तो आप अपने साथ लेकर आइए या फिर आपको हर स्टॉप पे खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बिक रही हैं, समोसा बिक रहा है और भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे खाने वाने की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक समोसा टेस्ट करते हैं भाई साहब का लेके। यहाँ पे 30 रुपये में 4 समोसे दिया है, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। समोसा का टेस्ट बस ठीक है, थोड़ा ठंडा है। स्टेशन कोड है KUR, खुर्दा रोड। अब हम क्रॉस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। 4 मिनट की डिले से डिपार्चर हुई है यहाँ से। खुर्दा रोड जंक्शन से भुवनेश्वर की ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 19 किलोमीटर है और अगला स्टॉप भुवनेश्वर ही आने वाला है। लिंगराज टेंपल रोड अल्टरनेट स्टॉप है। यहाँ पे तो इस ट्रेन का स्टॉपेज है नहीं, ये सारे अल्टरनेट स्टेशन हैं और ये लग रहा है इसी तरह निकल जाएगा यहाँ से। वर्क इन प्रोग्रेस। ट्रेन 20-30 की स्पीड में प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करते हुए, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस प्लेटफॉर्म का। वेलकम टू कैपिटल ऑफ उड़ीसा भैया। यहाँ पे भी इस ट्रेन के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं भाई इस ट्रेन के लिए। पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, पीछे की तरफ है, वाह। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पे इसका टाइमिंग 4:10 पे था लेकिन 5 मिनट डीले आई है, 4:15 पे आई है। बाकी भुवनेश्वर में खाने वाने के लिए काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। ट्रेन के अंदर तो पेंट्री कार अपने है नहीं और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है। अभी ट्रेन डीले चल रहा है, देखते हैं कितना देर और आगे डीले होता है। यहाँ पे हर 10-15 मीटर पे आपको एक स्टॉल दिख जाएगा खाने का, तो ऐसा फील नहीं होगा आपको जिस जर्नी में कि पेंट्री कार नहीं है तो खाने वाने का दिक्कत है। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे एक ही स्टॉप आ रहा है इस ट्रेन का। अभी कॉफ़ी ले रहे हैं कि स्टॉल से, देखते हैं कैसा है। कितने का है भैया कॉफ़ी? 2 बढ़िया है भाई। भुवनेश्वर से डिपार्चर हो चुका है, 4:15 पे इसका डिपार्चर था और डिपार्चर हुआ है 4:25 पे, लगभग 10 मिनट डीले है ट्रेन। इतना ट्रैक चेंज किया, 1, 2, 3 पे जा रहा है वो। पहला ये है, दूसरा ये बीच वाला, तीसरा वो जो अभी जा रहा है। उसके बाद भी एक चेंज किया है, 3 के बाद एक और, यानी 4 ट्रैक चेंज किया। टीटी सर आ गए हैं टिकट चेक करने के लिए। जाजपुर 6:14 पे आया है, 18:14। यहाँ पे भी इसके लिए काफ़ी सारे पब्लिक हैं। अभी अपनी ट्रेन जाजपुर में पहुँची हुई है। देखिए गैप देखिए स्टेयर से प्लेटफॉर्म का, कोई सीधा नीचे जाएगा अगर चलती हुई ट्रेन में कोशिश किया पैर भी डालने का अगर बैलेंस नहीं बना तो। 163 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉपेज है।
यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 5:49, 25 मिनट डिले है। और यहाँ देखते हैं 2 मिनट का स्टॉपेज है, और कितना देर रुकता है। विद इन 2 मिनट में अपना डिपार्चर हो चुका है। ट्रेन में साइड पेंट्री से कुछ लोग चढ़ा है यहाँ पे, वो लोग कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं। ये भाई लोग भी मिले हैं। भाई कहाँ तक आप लोग जाओगे? पटना भैया। सब भाई लोग पटना जाएंगे भाई, अभी GRP में होने वाला है इनका। भाई अभी 2 स्टॉप और आने वाले हैं उड़ीसा के, जो कि काफ़ी छोटे छोटे से हैं। उसके बाद अपना ट्रेन इंटर करेगा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद झारखंड में। तो मैं आपसे अब सुबह मिलता हूँ, सुबह 6:30-7 बजे, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे अब इधर ठंड का फीलिंग ज़्यादा आ रहा है। साइड पेंट्री वाले लोग चढ़ गए हैं, तो वो लोग खाना वगैरह बेच रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। भैया अंडा बिरयानी कैसे है? और अंडा चिकन दोनों 60। भैया साइड पेंट्री से आए हैं खाना लेके। भैया एक अंडा बिरयानी दे दीजिए। अभी थोड़ा हम लोग लाइट वाइट ऑफ कर दिए, तो थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। बाकी चाहें तो एक बार हम फ्लेश जला देते हैं भैया के लिए, अब भैया को देख सकते हैं। मार पैसा गिन रहे हैं। ये 60 रुपये का है भैया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लिया है। स्पून तो भाई खतरनाक दिए हो। बस ठीक है, पेट भर जाएगा। हाँ साउथ में मैं 2 साल रह के आया हूँ तमिलनाडु में, ठीक है, मेरे को भी पता है। खाना रखते थे ना उस समय में टीटी जाके। क्या हो गया मैम, क्या क्या हुआ? खाना दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। वो किसको रिपोर्ट देगा, दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं तो हाँ। सीन ये हुआ कि मैम को 130 रुपये में खाना खाना का उसने ऑर्डर लेके गया, और बाकी बाद में मैम को खाना उससे काफ़ी सस्ता मिल गया। दिए हुए टाइम पे वो खाना लेके नहीं आया, बहस कर रहा है। अब वो कह रहा है मैम को कि आप खुद बेच लीजिए। देखो गया उल्टा सीधा, ये बात कर रहा है, साइड पेंट्री से चढ़ा है। मैम ये खाना आपको जबरदस्ती दे कर गया है? कितने रुपये में? 130 रुपये में, और 60 रुपये में उसे अच्छा ही खाना दे के गया है यहाँ पे। 130 का आपको क्या, वही इतना छोटा सा थाली दिया, एक बार देख लीजिए कैसे साइड पेंट्री वाले लूटते हैं। पूरी जैसे 2 रोटी दिए हैं और 2 सब्जी दिख रहा है, चावल दिख रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई है लखीसराय में, और जैसे अभी डिपार्चर हुआ ना, लगातार वैक्यूम हो रहा है यहाँ पे, बार बार चैन कूलिंग किया जा रहा है। कैसे कैसे लोग हैं यार, बिहार में जो चीज बंद है वो यहाँ ट्रेन में लाया जा रहा है। इसमें दारू लाया जा रहा है, दारू पकड़ा गया है ट्रेन में। दारू ढो रहा है सबका आदमी की जगह भाई। मतलब तो बाल बच्चा का जिंदगी बर्बाद है। ये बताइए 200 रुपया और तेरी चलिए हटिए भाई साहब। एक बोरा निकला अभी, चलिए ये देख लीजिए। ये पूरी से ट्रेन में, और पता नहीं ये कहाँ पे ये लोड किया गया। देख लीजिए इतना दारू, और तो अच्छा हुआ पुलिस वाले इसको पकड़ लिए। अभी आपने देखा ना लखीसराय में क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दारू पकड़ा गया, लगभग एक बोरा दारू यहाँ पे पकड़ा गया है। ये एक दूसरा बोरा है, एक ये है, एक वो है, सामने लेके जा रहे हैं। कई लोग लोड कैसे कर दिए ट्रेन में, चेक इन होगी नहीं हुई क्या गेट पे भाई साहब? ये सब लखीसराय में पकड़ा गया है। अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। अगर आपको मैं टोटल दिखाऊं, इतना ट्रेन से दारू निकला है। ट्रेन में जब लोग लेके चढ़ रहा था तो गेट पे चेक वगैरह कोई नहीं किया होगा सर? मजाक बना दिया सब यार बिहार को। आप लोग
भाई लखीसराय से डिपार्चर हो चुका है अपने ट्रेन का। बाकी वो अपने दारू देखा, ये लोग तो मजाक बना दिए हैं। बिहार में जो चीज बंद है, लग रहा है कोई पानी का बोतल ट्रेन में सप्लाई कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे अभी दारू पकड़ा गया है। बाकी यहाँ पे एक बार लखीसराय पे प्लेटफॉर्म पे रस देख लीजिए। बहुत पब्लिक यहाँ पे भी वेट कर रही है। चाय पिला दो यार, कैसे है चाय? अभी वॉशरूम मैंने चेक किया, अभी सारा ट्रेन का लगभग जितने भी वॉशरूम है ना, मैंने चार वॉशरूम चेक किए, उसमें तीन तो ओवरफ्लो हो चुके हैं और मेंटेनेंस वगैरह देखने के लिए भी कोई नहीं है। पूरी से ट्रेन निकला हुआ है अभी तक, अब हम बाढ़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक बार क्लीनिंग के लिए कोई नहीं आया है। बाकी अभी पीछे आपने देखा कितना सारा दारू पकड़ा गया है, ये लोग ट्रेन में दारू स्मगलिंग कर रहा है बैठ के। भाई ये NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये बाढ़ में ही है, यहाँ बिजली बनता है ना, थर्मल पावर। आठ सौ 68 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है बाढ़ यहाँ पे। अपने ट्रेन का जो स्टॉपेज है सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटा 35 मिनट डिले चल रही है फिलहाल, और अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। 2 मिनट का स्टॉपेज था, मेरे ख्याल से 2 मिनट में ही हो गया है डिपार्चर। इन सब चीज़ों का बढ़ावा ना दें, ये पेपर दे देंगे 10-10, 5-5, 20-20 रुपये जो भी। क्या है ये चाची? ये तो आप हर ट्रेन में करते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार आप देख लो। I am a widow woman, I have 2 young daughter. अबे यार ये शादी वादी के लिए पैसे मांग रही हैं, बाकी ये सब फ्रॉड है, ऐसा आप कीजिएगा मत, ये अक्सर होता है। का हो जो पैसा मांगा तरी तोरा का लगा था, सही बात सब खाली चाल चल खराब है। हाँ देखिए सब लोग यही कह रहा है कि, तो आप लोग भी इस सब चीज़ों को बढ़ावा ना दे कृपया। फिर से एक बार, भारत गैस बनाइए, खाना परोसिए प्यार, भारत पेट्रोलियम। ये सारे बैर के पेड़ हैं। भाई देखो दारू है शायद मेरे ख्याल से। तुमको कौन बताया? देखो उसके हाथ में भी दारू है। देखो उनके हाथ में, अगर आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखो तो दारू है, जूम करके। अभी ये बच
देखिए। राजेंद्र नगर नहीं रुका अपनी ट्रेन, यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं था, एस्केप कर गया। पटना में टाइमिंग था 9:35 का और ट्रेन पहुंचा है 11:10 पे, 1:40 की डिले से ट्रेन पहुंच चुकी है भाई अपने पटना जंक्शन पे। साइड पेंट्री वाले काफ़ी महंगे खाना दे रहे थे क्योंकि ट्रेन में पेंट्री नहीं था। बाकी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया पटना रेलवे स्टेशन को, बगल में हनुमान मंदिर है। जय बजरंगबली। बाकी आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।